अभी सबको लाइट जलाना उनसे मिलने को तैयार नहीं है। 55 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन उनकी कोई खैर ख्वाह के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आज उन किसान जिनको लोग कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है, उन सबके चित्र हमारे सामने प्रस्तुत है। वो सभी किसान हैं, किसी पे भी पाकिस्तान या खालिस्तान का कोई टैग नहीं है, लेकिन इस तरीके से प्रचारित करके दर्शाया जा रहा है कि किसानों की गरिमा को, उनकी अस्मिता को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है, हम लोग किसानों को शहीदों की दृष्टि से देखें और इस आंदोलन में जहाँ जो किसान की जायज़ मांग है, इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और किसान के हित में जायज़ मांग की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहें। लगातार हम लोग इसके लिए आंदोलन करते रहे हैं। कल भी सभी लोगों ने शांतिपूर्वक अच्छा प्रदर्शन किया। भविष्य में भी हम किसानों के लिए तन मन धन से लड़ने के लिए एकत्र रहेंगे, क्योंकि ये देश किसानों का है। इस देश की 75% अर्थव्यवस्था किसान आधारित अर्थव्यवस्था है। ऐसे दौर में जहाँ पर हमारी ज़मीनें छीनने का प्रयास किया जा रहा है, आज हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हमारे कोई एक जाति होती है, हम पुलिस के पास जाते हैं, हम न्यायालय में जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन की पेचीदगी ये है किसान बिल की, तो उसमें ये क्लियर कह दिया गया है कि किसान अपने किसी भी प्रकार के न्याय की दृष्टि से अगर वो अपने आप को दोषी पाता है तो सिर्फ एलजीएम के पास जाएगा। एमएसपी की बात कहीं नहीं की जा रही। आज मैं कहना चाहता हूँ, हमारा कोई भी शासकीय वर्ग का सेवक, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का सेवक नौकरी करता है, जो जितनी तनख्वाह मिलती है उससे उसका इंक्रीमेंट बढ़ता है, इसलिए शब्द आया इंक्रीमेंट। लेकिन किसान जो 2012 में उसका रेट सोयाबीन का, गेहूं का था, वो आज भी नहीं मिल पा रहा है। पिछले वर्ष किसान को 2000 रुपये और 4000 रुपये सोयाबीन और 2000 रुपये गेहूँ की लागत मिली थी, लेकिन इस वर्ष आप देखने में आएगा कि किसान की वो स्थिति नहीं है। सोयाबीन 2500 रुपये और गेहूँ 1500 रुपये बिक रहा है। क्या किसान ऐसे स्थिति में अपनी बात को नहीं रख सकता? उसके ऊपर लाठी पड़े, डंडे पड़े, जो होगा वो युवा साथियों किसान झेलेगा, लेकिन अपनी जायज़ मांग की लड़ाई लड़ता रहेगा। आज सभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उन 55 किसानों को शहादत का दर्जा मिले, शहीद के रूप में उनको जाना जाए, इसीलिए हम अमर शहीद महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बताइए भैया, आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था क्या? 43 दिनों से जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है, उसके विरोध में हमने युवक कांग्रेस ने जो 55 लोग शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि दी है, और युवक कांग्रेस आगे भी किसानों के लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आपका नाम बताएं? जितेंद्र सिंह गौड़, युवक कांग्रेस जिला।